एमएचयू न्यूज में आपका स्वागत है। एमएचयू न्यूज की टीम आज पहुंची है विधानसभा बिहोआ में। 2024 के विधानसभा चुनाव की तैयारियां जो है शुरू हो चुकी है। 1 अक्टूबर को जो चुनाव जो है होना है और 4 अक्टूबर को नतीजे जो है सामने आने हैं। तमाम जो राजनीतिक पार्टियां सर्क जो है देखने को मिल रही है और जनता का क्या कुछ कहना है विधानसभा में, क्या कुछ मुद्दे जो है रहने वाले हैं, किन मुद्दों को लेकर आपकी बार जो है वोट डालेंगे, जानेंगे जनता की जुबानी। चुनाव को लेकर जनता की क्या कुछ राय है, देखिए हम जनता के पास हम पहुंचे हैं तो बातचीत जो है करेंगे। दुकानदार भी कुछ हमारे यहाँ पर मौजूद है, उनसे बात करें। 2024 की विधानसभा चुनाव की घोषणाएं हो चुकी है और विधानसभा पे हुआ की बात की जाए तो क्या लगता है कि कौन बाजी मारे? अब की बार मनदीप चट्ठा जी को टिकट मिलने जा रही है और लोगों में बड़ा उत्साह है कांग्रेस को लेके, कांग्रेस पार्टी को लेके, तो बड़ी उम्मीद है क्योंकि 10 साल में कोई भी विकास कार्य जो थे सारे ठप पड़े हैं। चाहे आप ट्रेन के पुल को ला के देख लो, चाहे मेन चौक में देख लो। मनदीप चट्ठा की बात की जाए तो पिछली बार वो 5,000 वोटों से तकरीबन रह गए थे, तो ऐसा क्यों लगता है कि आपकी बार कांग्रेस आ रही है, क्यों लगता है आपको? उसने मनदीप चट्ठा ने 2 बार इलेक्शन लड़ा, पहली बार उसकी 35,000 वोटें आई, अगली बार 39,000 वोटें आई। वोट ग्राफ बड़ा है उसका, घटा नहीं है। बातचीत जो है देखिए दुकानदार मौजूद है, हम उनसे बातचीत करेंगे। क्या लगता है 2024 का चुनाव की घोषणाएं हो चुकी हैं और विधानसभा पेवा की बात की जाए तो किस तरह का माहौल है? अभी तक तो यही है कि देखते हैं किसको टिकट मिलती है, उसके बाद वैसे माहौल बनेगा। किस तरह के क्या कुछ मुद्दे रहने वाले हैं, किसको देखकर आपकी बार आप वोट डाल रहे हैं? मुद्दा तो मेन तो बेरोजगारी का ही चलेगा, बेरोजगारी और व्यापार आजकल ठंडे हुए पड़े हैं उसके ऊपर ही चलेगा, महंगाई के ऊपर भी चलेगा, ऐसी बात नहीं है। क्या नाम आपको? रमेश कुमार। तो क्या लगता है आपकी बार चुनाव आ चुके हैं क्या, तो कौन सी पार्टी आपके बारे में? मोदी सरकार की है। विधानसभा भी होगा की बात की जाए तो आप की पार्टी मोदी भारतीय जनता पार्टी की है, भारतीय जनता पार्टी। ऐसा क्यों लगता है आपको? ऐसा काम तो कर रहे हैं, अभी काम कर रहे हैं। किस तरह के काम? काम तो वैसे ही जो आम है पब्लिक के सिलसिले में। कुछ लोगों का कहना है कि काम अभी तक हो ही नहीं है क्या पे विधानसभा में, ऐसे तो होते ही रहते हैं सारे काम तक। बातचीत करने के लिए जो स्थानीय लोग हैं हमारे साथ मौजूद हैं उनसे बातचीत करेंगे। क्या लगता है विधानसभा चुनाव आ चुके हैं हरियाणा में, अब कौन सी पार्टी जो सरकार बना रही है? देखो अभी तो बड़ी जल्दी है, मतलब कि जब कैंडिडेट आ जाएंगे मैदान में तब ज्यादा पता चलेगा कि कौन सी पार्टी की। क्या कुछ मुद्दे रहने वाले जिसको लेकर आपकी बार आप वोट डाल रहे हैं? देखो जी अगर बेसिकली पेवा की बात करें तो सबसे मेन मुद्दा तो हमारा सरस्वती मंदिर का है, उसकी साफ सफाई का है, ट्रेन का पुल है, 2 साल से टूटा हुआ है, कोई सुनवाई नहीं है, कुछ अभी तक कुछ भी काम नहीं हुआ वहाँ पे। और शहर की सफाई का मुद्दा है, आवारा पशु घूम रहे हैं शहर में, तो मतलब कभी किसी को चोट लग जाती है, पशुओं को खुद भी चोट लगती है, तो नुकसान तो हो ही रहा है शहर। तो जिस तरीके से बात की जाए तो 2014 में यहाँ से NLO जीती थी और 19 में बीजेपी यहाँ से जीती पहली बार, तो अब की बार आपको क्या लगता है कि कौन सी पार्टी जो है जीत सकती है? देखिए पार्टी के बारे में तो कहना भी बहुत जल्दी होगी, लेकिन अब की बार लोग ये चाहते हैं कि कोई ऐसा कैंडिडेट ना आए यहाँ पे जो जिससे संपर्क करना ही थोड़ा सा मुश्किल हो, क्योंकि हर बार ये होता है कि बाहर के जो कैंडिडेट हैं वो यहाँ पे आकर विधायक बनते हैं, तो लोगों के मन सही है कि यहीं का स्थानीय जो भी कैंडिडेट हो यहीं से का रहने वाला हो। क्या कुछ रहने वाला आपकी बार, विधानसभा चुनाव आ चुके हैं, हरियाणा की बात की जाए तो क्या लगता है कौन बाजी मारेगा? देखो जी जैसे भी है कोई भी कैंडिडेट बाहर से आता है तो वो यहीं ना तो विकास हो पाता है शहर का, तो अब पार्टियाँ सारी ही बिखरी, एक दूसरे की बिखरी पड़ी हैं, अब चुनाव में कोई समझ ही नहीं आ रहा अभी कौन सी पार्टी आएगी। बाकी वही कैंडिडेट आना चाहिए जो शहर का विकास कर सके। बातचीत करने के लिए जो लोग हैं दुकानदार हमारे साथ मौजूद हैं, विधानसभा चुनाव आ चुके हैं और क्या लगता है आपकी बार पिहोवा विधानसभा की बात की जाए तो आपकी बार की कौन बाजी मारे? यहाँ पर तो ये पानी की बहुत समस्या है, थोड़ी सी बारिश आती है पानी बहुत ज़्यादा खड़ा हो जाता है पानी। चुनाव आने वाले हैं तो उसको लेकर क्या कुछ लगता है आपको, क्या विकास कार्य नहीं हुआ है? विकास कार्य इतना नहीं हुआ जी जितना होना चाहिए था, इसकी पानी की समस्या हल नहीं हुई है। पानी की समस्या नहीं है, ये मुख्य बाजार है, मुख्य बाजार है ये गली की, काफ़ी साल से पानी की बहुत मुश्किल रही है और यहाँ पर गायें और सांड गलियों में सड़कों पे उनकी बहुत बड़ी समस्या है,
वो काफी एक्सीडेंट उनसे होते हैं, ये मेन समस्या है। क्या क्या कुछ लगता है कि अब की बार हरियाणा के अंदर बात की जाए तो बीजेपी आ रही है, कांग्रेस को वोट डाले, किसको आप की बार आप वोट डाले? जो अच्छा काम करेगी जो उसको हम वोट डालेंगे, जो अच्छा काम करेगी। जी सर, क्या कुछ कहेंगे कि विधानसभा चुनाव आ चुके हैं और क्या कुछ मुद्दे रहने वाले जिनको देखकर आप वोट डाल रहे हैं? पेवा विधानसभा की बात की बिल्कुल, मुद्दे तो आप भाई साहब ने बताया ही है, मैं क्या नाम है जो अपनी कमी है सारी टूटी फूटी हैं, महंगाई का जोर है, हमारा पशुओं का बहुत हो रहा है नुकसान, रोज एक्सीडेंट होते हैं। बातचीत करेंगे विधानसभा चुनाव को लेकर, क्या कुछ लगता है कि हरियाणा के अंदर अब चुनाव की घोषणाएं हो चुकी है, 1 अक्टूबर को चुनाव होने जा रहे हैं, तो पिहवा विधानसभा की आम जनता का क्या कुछ कहना है? मेरा तो कहना ये है जी, कोई भी सरकार आए काम तो कोई भी नहीं करती है जी, फिर भी हम दिल से ये कहते हैं कोई अच्छा कैंडिडेट आए जो हमारे शहर को सुधारे, हमारे गलियों को, हमारे चौक को, हमारे कई ऐसे मोहल्ले हैं जहाँ पर सड़कें टूटी हुई हैं, कोई भी काम नहीं होता, सरकार आती है वादा दे करके चली जाती है। क्या स्थानीय विधायक के द्वारा कोई भी कार्य नहीं किया गया? ऐसा तो कोई बथेरे वादे किए गए हैं पर काम कोई नहीं हुआ, हमारी पीछे सरकार आई कोई भी काम ऐसा नहीं है, हमारे पुल को देख लो आज तक हमारा पुल नहीं बना, गेट नहीं बना, चौक नहीं बना, स्टेडियम नहीं बने, बहुत कुछ ऐसे वादे थे जो हमारे पूरे नहीं हुए। बातचीत करने के लिए जो युवा भी हमारे साथ मौजूद है, 2024 के विधानसभा चुनाव को लेकर जो है बेगुल बच चुका है, 1 तारीख को चुनाव जो है 1 अक्टूबर को चुनाव होना, तो क्या कुछ मुद्दे रहने वाले हैं? क्या लगता है कि बीजेपी हरियाणा के अंदर दोबारा से जो है तीसरी बार आ रही है या कांग्रेस जो है बाजी मार सकती है अब की बार? देखिए ऐसा है, 2024 के चुनाव के बारे में अभी कांग्रेस का वैसे दिख रहा है कि कांग्रेस के लक्षण है, लेकिन बीजेपी स्पष्ट बहुमत से नहीं आएगी अभी हरियाणा में, बीजेपी के चांस हैं लेकिन स्पष्ट है जो बहुमत दिख रहा है वो कांग्रेस का दिख रहा है ना कि बीजेपी का, बीजेपी साफ है अब की बार हरियाणा से। पेवा विधानसभा की बात की जाए तो क्या कुछ मुद्दे रहने वाले जिसको देखकर आपकी बार वोट डालें? देखिए अभी जो हमारे प्रेजेंट में खेल मंत्री भी रहे हैं हमारे जो संदीप सिंह जी हैं, उनको टिकट दी गई थी लेकिन उन्होंने हमारे जो पेवा में कोई विकास का कार्य ऐसा किया नहीं जिसको कि उसको दोबारा वोट दी जाए। तो क्या कुछ मुद्दे रहने वाले जिनको लेकर आपकी बार आप वोट जो है डालेंगे? महंगाई सबसे बड़ा मुद्दा है, उसके बाद आप समझते ही हो, जो देखो हमारे प्रधानमंत्री जी हैं उनका कार्यकाल 5 साल का, जो MLA उनका कार्यकाल 5 साल का, ठीक है जी, जो MC हम सड़कों के लिए चुनते हैं उनका भी कार्यकाल 5 साल का, ठीक है, और देश की जो आर्मी है जो बॉर्डर पे हमारे लिए सेवा कर रही है उनका कार्यकाल 4 साल का। हरियाणा में अब की बार फिर क्या लगता है कि बीजेपी अब की बार नहीं आ रही है? बिल्कुल भी नहीं आ रही, बिल्कुल भी नहीं, ये पता तो लग गया इनको, ये जो चुनाव हुए हैं अब लोकसभा में उनके उनसे पता नहीं लगा उनको, 5 सीटें जो ले गए हैं, और आप बाकी सब एरियों में जो भी हिसाब किताब लगाओ तो पता लग जाएगा। और भी जो युवा साथी मौजूद है उनसे बातचीत कर, क्या लगता है आपको कि अब की बार हरियाणा के अंदर क्या कुछ होने जा रहा है? पेवा विधानसभा की बात की जा रही, मैनू लगता भी एर की कोई वधिया पार्टी जितनी चाहिए है। पार्टी बारे पूछण डे कि वैसे रैंडमली सवाल है, मतलब कि कौन सी पार्टी जिस तरीके से बीजेपी जो है दोबारा सत्ता में आ सकती है या नहीं आ सकती है, ये तो आम वोटर्स के ही ऊपर डिपेंड है। मेरे को लगता है बीजेपी को दोबारा आना चाहिए सत्ता में, पता क्यों है, जब हम किसी भी शहर में रहने के लिए जाते हैं ना, जैसे मोदी सरकार है, तो मोदी सरकार को अगर 5-10 साल होते हैं तो उसको पता नहीं लगता अभी क्या करना है क्या कुछ है, अगर हम किसी सिटी में भी जाते हैं ना तो 5 साल रहते हैं, हमको गलियों का ही नहीं पता लगता 5 साल में, तो मेरे को लगता है भी एक मंत्री 10-15 साल में ही पूरे वर्ल्ड को देख सकता है इंडिया को भी क्या क्या करना है, मेरे को लगता है बीजेपी आनी चाहिए। अच्छा, आपको लगता है बीजेपी आनी चाहिए? हम जनता का क्या कुछ कहना है कि क्या कुछ मुद्दे रहने वाले हैं पेवा विधानसभा के और हरियाणा के अंदर क्या कौन सी पार्टी आपकी बार आ रही है? सबसे बड़ा तो ये हमारा पुल का मुद्दा है जी, पुल का मुद्दा है सबसे पहले तो, जो लगभग 1.5 साल से ऐसा क्या ऐसा पड़ा है, कोई मतलब काम नहीं बन रहा अच्छे तरीके से। जी सर, क्या कुछ कहेंगे, विधानसभा चुनाव आ चुके हैं, पेवा विधानसभा की बात की जाए तो क्या लगता है आपको? अभी तक इन्होंने ये पुल टूटा था, पुल ही नहीं बना। मैंने कहा तकरीबन देखा है जो जितने भी यहाँ के लोग हैं उनका यही कहना है कि पुल का बड़ी समस्या है, तो क्या कुछ वो बात है पुल के लिए? पुल कोई भी नहीं उसके तरफ ध्यान दे रहा, सरकारें हैं कोई भी नहीं ध्यान दे रहा, संदीप सिंह था उन्होंने भी बढ़ाया, ये ऐसे ऐसे दिखते हैं। क्या कुछ लगता है, विधानसभा के चुनाव आ चुके हैं,
तो क्या कुछ मुद्दा जो है रहने वाला जिसको लेकर आप वोट डाल रहे? देखो मुद्दे तो कई हैं, जैसे कांग्रेस सब मुद्दे उठा रही है कि 10 साल का हिसाब दो। सारे कांग्रेस के अब 33 कैंडिडेट खड़े हुए हैं, सभी यही कह रहे हैं कि कांग्रेस यही हिसाब मांग रही है, 10 साल का हिसाब मांग रही है। तो पब्लिक ये कह रही है कि लोकल ही अपनाना चाहिए, बाहर का नहीं आना चाहिए। संदीप सिंह को अपने लोकल ही आना चाहिए, आपकी ये बात है क्या? लोगों यहाँ के विधायक के द्वारा काम नहीं किए गए काम? देखो अपने समय पहले 5 साल में देखो गांव में थोड़ा बहुत हुआ है काम, ऐसी बात नहीं है कि नहीं हुआ, काम किया भी है जितना था, लेकिन जितना होना चाहिए था इतना काम नहीं हो पाया। और भी जो साथी मौजूद है क्या कुछ कहेंगे, क्या लगता है आपकी बार हरियाणा के अंदर कौन जीत रहा है? हरियाणा में भी की बार बदलाव है। बदलाव है, कैसा बदलाव है? सरकार का कौन आ रहा है? कांग्रेस सरकार आई, पक्का आ रही है 100%। अच्छा, ऐसा क्यों लग रहा है? क्योंकि बीजेपी ने 5 साल में कुछ काम नहीं किया। अब अभी देख लो आप, बारिश हुई थी, अभी सारा बर्रा मंडी सारी भरी पड़ी है। मंडी में मैं खुद गया, इस साइड की मंडी बिल्कुल कोई निकासी नहीं है, इस वार्ड की कोई निकासी नहीं है, इधर सारा पानी भरा पड़ा है, थोड़ी सी बारिश से कोई डेवलपमेंट नहीं। तो क्या कुछ मुद्दे रहने वाले हैं पेवा विधानसभा की बात की? पेवा के गाँव शहर से कटे हुए हैं, आज 3 साल हो गए, 3.5 साल हो गए, एक पुल नहीं बन पाया एक मंत्री से। वो पुल के लिए 11 करोड़ रुपया मंत्री ने मंजूर कराया, लेकिन वो पुल नहीं बन पाया। देखिए हमने तमाम जो आम जनता है उनसे बातचीत जो है की है, साफ तौर पर कहा यही जा रहा है कि विकास कार्य पिहोवा विधानसभा में नहीं हुए हैं। और जिस तरीके से लोगों का कहना है कि जो मेन मुद्दे पिहोवा विधानसभा के पानी निकासी की बात की जाए या ड्रेन के पुल की बात की जाए, तकरीबन जो है लोगों का यही कहना है कि ड्रेन का पुल जो है एक नहीं बन पाया। लेकिन अभी जिस तरीके से 1 अक्टूबर को जो है चुनाव होना और 4 अक्टूबर को नतीजे जो है सामने आने आएंगे कि क्या कुछ किसकी सरकार जो है बनती है, चाहे क्या बीजेपी दोबारा से हैट्रिक मारती है या कांग्रेस आती है या आम आदमी पार्टी आती है, NLO या GDP, तमाम जो राजनीतिक पार्टी है जो साफ तौर पर जो है सतर्क जो है देखने को मिल रहा है।